फिजिकल वॉयलेंस पर करण बोहरा की वाइफ ने कही एक बड़ी बात। जी हाँ, तीजे ने कही एक बड़ी बात। और क्या वो कहती हैं अंजलि के बारे में, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू अवर चैनल। हाल फिलहाल काफी ज्यादा वॉयलेंस जो है वो लॉकअप में देखने को मिला, जिसके चलते जिशान खान को लॉकआउट कर दिया गया। जिशान खान, जहां पर जिशान और आजमा की लड़ाई हुई और आजमा के साथ में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जिशान वॉयलेंस करते हुए नजर आए, जिसके चलते जिशान को लॉकआउट किया। वेल, आजमा को भी फटकार लगाई, क्योंकि आजमा ने भी काफी कुछ गलत चीजें जो है जिशान की फैमिली, उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोली। लेकिन यहाँ पर आजमा जो है उन्हें लॉकआउट नहीं किया गया। लेकिन तीजय ने एक बड़ी बात कही है। करणवीर बोहरा की वाइफ तीजय ने अंजलि के बारे में ये बात कही है। दरअसल एक वीडियो शेयर किया है उन्होंने और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वो लिखती है, प्लीज सी हाउ अंजलि ग्रैब आजमाज नेक। शी वॉज नॉट इवन द पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आजमा नॉट इवन प्रवोक हर। वेल, यहाँ पर जो है तीजे लिखती है कि अंजलि ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंजलि ने आजमा की नेक पकड़ी है, और इवन वो इन सब चीजों का पार्ट भी नहीं थी, और आजमा ने ना ही उसे प्रवोक किया है जिसकी वजह से वो ये काम करे। और बाद में जो है तीजे लिखती हैं, दिस इज द थर्ड इंसिडेंट ऑफ अंजलि गेटिंग वॉयलेंट एंड इट कांट बी इग्नोर्ड। वेल, यहाँ पर तो बहुत इजीली इसे इग्नोर कर दिया गया। ना ही करण कुंद्रा ने इस बात को लेकर जो है इश्यूज क्रिएट किए, यानी कि अपना जो है इवन अंजलि को कुछ चीजें कही। यहाँ पर इस चीज को इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन तीजय ने ये बात जो है वो क्लियर की कि ये तीसरी बार हुआ है जहां पर अंजलि जो है वो वॉयलेंस दिखाती हुई नजर आई है। लेकिन इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब जिशान को लॉकआउट किया गया तो यहां पर अंजलि ने भी नेक जो है आजमा की पकड़ी, तो उसे भी कहीं ना कहीं लॉकआउट करना चाहिए। वेल, आपके क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।